सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी साथियों को एक बार पुनः नमस्कार, स्वागत आपका आपके अपने परिवार में, नेवरी परिवार के अंदर, और स्वागत करने के लिए तैयार आपका हमेशा की तरह होस्ट और दोस्त विजेंद्र सिंह नेवरी। साथियों, राजस्थान भूगोल चल रहा है अपना, और अपन ने लास्ट टॉपिक कवर किया राजस्थान के अंदर एग्रीकल्चर। बिल्कुल अपडेटेड आंकड़े, बिल्कुल ताजा तरीन आंकड़े जो अभी तक पब्लिश हुए हैं वहां तक अपन ने चर्चा की, और इसी प्रकार से आज का जो वीडियो है वो ये मान के चलिएगा, आप चाहे आप कर्मचारी चयन बोर्ड पेपर ले ले, चाहे आरपीसी पेपर ले ले, या अन्य कोई संस्था पेपर ले ले, प्रश्न पक्का फंसेगा, पक्का फंसेगा। दो प्रश्न पक्के हैं इस टॉपिक से आपके। मैं क्यों कह रहा हूं इतने कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि पुराने पेपर का जब एनालिसिस किया गया, सारे के सारे पेपर में यहां से प्रश्न पक्का फंसते हैं। और वो टॉपिक कौन सा है मित्रों? वो टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति। ताजा तरीन आंकड़े 2015 के भी नहीं, 2017 के भी नहीं, किताबों में तो 2015 के दिए हुए, कई अपडेट करके 2017 के दे रहे हैं। हम ताजा तरीन आंकड़े जो 2019 की रिपोर्ट, 2019 की रिपोर्ट, 19 पे भी लास्ट एंड में दिसंबर 2019 में जारी रिपोर्ट की चर्चा करेंगे। मित्रों, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को। फटाफट से शेयर कर दीजिए वीडियो को, लगा दीजिए इसकी चारों तरफ लाइन, हर स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए, ठीक है ना? मैं इतना कर सकता हूं तो आप इतना तो कर ही सकते हैं ना, करेंगे ना? अरे बोलो हाँ कि नहीं। हाँ गुरु जी, ठीक, शाबाश, वेरी गुड। साथियों, चैलेंज प्रश्न की चर्चा पर वीडियो के लास्ट में करेंगे, ओके, ठीक है, चलते हैं। मित्रों, अपन बात कर रहे हैं वन की, यानी अपन आज बात करेंगे वन और वनस्पति। सबसे पहली चीज तो ये कि वन जो है ये है कहां पे। अगर अपन संवैधानिक दृष्टि से देखें मित्रों, तो वन की जो स्थिति है ये संवैधानिक दृष्टि से कौन सी सूची में है, यानी संविधान की दृष्टि से अगर इस वन को देखा जाए साथियों, तो वन कहां है? वन है समवर्ती सूची। कौन सी सूची में है वन? समवर्ती सूची। अब आप कहेंगे गुरु जी समवर्ती सूची क्या होती है? समवर्ती सूची का मतलब जहां पर कानून केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। अपन जब पॉलिटिकल की चर्चा करेंगे तो संविधान के जो 22 भाग हैं, जैसे पहले भाग के अंदर अपन बात करते हैं संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख, दूसरे भाग में अपन बात करते हैं नागरिकता, तीसरे भाग में अपन बात करते हैं मौलिक अधिकार, चौथे भाग में बात करते हैं नीति निदेशक तत्व, चौथे का ए आता है उसमें मौलिक कर्तव्य, पांचवे में संघ सरकार करते हैं, छठे में क्या करते हैं राज्य सरकार करते हैं, और प्यारे मित्रों जो सातवां भाग, इस भाग को हटा दिया गया, आगे चलता 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 चल पड़ा। इसी प्रकार अपने अनुसूचियां हैं। क्या है? अनुसूचियां। मित्रों गौर करना, अनुसूचियों के अंदर आपको एक ही बात याद रखनी है। क्या बात? यही याद रखनी है आपको कि सातवीं अनुसूची में सरकार के कार्यों का बंटवारा है। सातवीं अनुसूची में क्या है? सरकार के कार्यों का बंटवारा। और उस बंटवारे में तीन आते हैं, एक आता है संघ सूची, एक आता है राज्य सूची, और साथियों एक आता है समवर्ती सूची। संघ सूची का मतलब वे विषय जहां कानून केवल और केवल कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगा। सातवीं अनुसूची में कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। जैसे कि डाक है, जैसे कि रेल है, इन पे कानून कौन बनाता है? इन पे कानून बनाने का काम करता है केंद्र। राज्य सूची का मतलब वे विषय जहां कानून केवल और केवल कौन बनाए? राज्य सरकार बनाए, ठीक है। उसके बाद में आता समवर्ती सूची। साथियों ध्यान देना, समवर्ती सूची में दोनों सरकारें कानून बना सकती, जैसे कि एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर बना सकती है, शिक्षा है, उसी प्रकार से संविधान में समवर्ती जो सूची है उसमें वन विषय है। और ये कब रखा गया था? तो मित्रों गौर करना, 42वां जो संविधान संशोधन हुआ। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन 1976 में, उसके द्वारा कौन से विषय को?
वन विषय को कहां लाके डाल दिया, समवर्ती सूची में लाके डाल दिया। ठीक है, चले आगे। यानी इसके ऊपर कानून है, ये दोनों सरकारें बना सकती हैं। अब बात करते हैं मित्रों कि जो वन है, इस वन क्षेत्र में अगर बात करें ब्रिटिश भारत की, तो सबसे पहले साथियों 1855 में लॉर्ड डलहौजी, किसने, एक वन नीति जारी की। याद रखना आपको, इस सबसे पहले 1855 के अंदर लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, एक वन नीति जारी की छोटे स्तर। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चले मित्रों 1865 में क्या बना, एक वन कानून बना। फिर साथियों गौर करना, ब्रिटिश भारत की पहली सुनियोजित वन नीति। इतना ही याद रखना है कि ब्रिटिश भारत की प्रथम सुनियोजित जो वन नीति है, ये कब जारी की जाती है मित्रों, तो गौर करेंगे, ब्रिटिश भारत की पहली सुनियोजित जो वन नीति है वो 1894 के अंदर जारी की जाती है। इसके बाद जैसे ही आगे चले मित्रों, ध्यान देंगे, ये अपन ब्रिटिश भारत की बातें कर रहे हैं, 1927 में एक भारतीय वन अधिनियम बनाया जाता है, भारतीय वन अधिनियम। इससे भी अभी तक अपन नहीं पहुंचे, अब गौर करेंगे मेरी बात के ऊपर। 1952 में एक विशेष काम होता है, और ये क्या होता है, यानी मैं यहां लिख सकता हूं भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति। और ये कौन से भारत की बात कर रहे हैं मित्रों, अपन स्वतंत्र भारत की बात कर रहे हैं। यानी स्वतंत्र भारत की पहली जो वन नीति है, ये कब जारी होती है, 1952 में जारी होती है। और वन नीति में क्या कहा गया, वन नीति ये कहती है कि कुल क्षेत्रफल के, वन नीति क्या कहती है, कुल क्षेत्रफल के 33% भाग पर। ध्यान देना साथियों, ये प्रश्न काफी बार पूछा जाता है, इजी प्रश्न है लेकिन पूछा जाता है, कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर, 33% भाग पर क्या होता है, होना चाहिए वन होना चाहिए। ध्यान देंगे, प्रश्न आ जाए कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कोई भी क्षेत्रफल, भले मर्जी कोई राज्य है, कोई देश है, अपने देश के अंदर कोई जिला है, उसके कुल एरिया के 33% भाग पर क्या होना चाहिए, 33% भाग पर वन क्षेत्र होना चाहिए। मित्रों गौर करेंगे, कितने प्रतिशत भाग पर वन क्षेत्र होने चाहिए, 33% भाग पर वन क्षेत्र होने चाहिए। चलो ठीक बात है गुरुजी, ये तो भारत की है। अब मैं बात करता हूं, क्या राजस्थान ने भी कोई वन नीति घोषित की है। मित्रों जब बात चल ही पड़ी तो अपन कर लेते हैं, राजस्थान सरकार ने पहली जो वन नीति थी वो 18 फरवरी 2010 को घोषित की। सीधा प्रश्न बनेगा कि राजस्थान सरकार की वन नीति कब आई, 18 फरवरी 2010। राजस्थान सरकार ने वन नीति कब जारी की, 18 फरवरी 2010। याद कर लेना है, प्रश्न आएगा, राजस्थान ने वन नीति कब जारी की, तो राजस्थान की प्रथम वन नीति 18 फरवरी 2010। अब प्यारे मित्रों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि अपने राजस्थान में स्वतंत्रता से पहले रियासतों ने क्या क्या कानून वगैरह बनाए, इनको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए फटाक से। चले आगे, ये तो कुछ एक डाटा थे, अब अपन चलते हैं अपने वन अनुसंधान केंद्र की ओर और उससे जारी होने वाली रिपोर्ट की ओर। मित्रों गौर करें, वन है ये संविधान की दृष्टि से देखें कौन सी सूची का विषय, संवर्ती। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन, जो भारतीय संविधान का सबसे विवादास्पद संशोधन, सबसे लंबा संशोधन, मेनी कॉन्स्टिट्यूशन भी जिसे कहा जाता है। उसके बाद 1855 में लॉर्ड डलहौजी ने एक छोटी वन नीति जारी की, वन कानून बना 1865 में, 1894 में ब्रिटिश भारत की पहली सुनियोजित वन नीति। उसके बाद 1927 में भारतीय वन अधिनियम, 1952 में भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति। मित्रों गौर करेंगे,
1952 की वन नीति क्या कहती है कि 33% भाग पे क्या होने चाहिए, 33% भाग पर वन होने चाहिए। उसके बाद आगे चले राजस्थान में वन नीति कब, 18 फरवरी 2010। आपके लिए चैलेंज प्रश्न ये भी है कि भारत की संशोधित वन नीति कब जारी हुई, ये आप कमेंट करके बताएं, मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है साथियों, मिटा दो इसको, मैं मिटा देता। अब आगे चलते हैं अपन कि भारत के अंदर गुरुजी वनों के आंकड़े कौन जारी करता है। शानदार प्रश्न कि अपन कह रहे हैं कि वन 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 वनों के आंकड़े कौन जारी करता है। साथियों गौर करें, एक संस्थान है जिस संस्थान का नाम क्या है, सुने, संस्थान है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान। साथियों ध्यान देना, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान है कहां, ये संस्थान है मित्रों देहरादून में, और देहरादून में जो संस्थान है उत्तराखंड में, इसकी स्थापना तो 1906 में हो गई थी, लेकिन विधिवत रूप से 1981 में इसका गठन किया जाता है, यानी वर्तमान जो स्वरूप देख रहे हैं ये कब सामने आता है, 1981। अब क्या होता है मित्रों, ये जो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान है, इस अनुसंधान संस्थान के अपन कहें अधीन एक FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये क्या करता है, ये रिपोर्ट जारी करता है। ध्यान देंगे मित्रों, ये क्या करेगा, ये रिपोर्ट जारी करेगा, और ये रिपोर्ट जारी करेगा तो इतना ही याद रखना कि प्रथम रिपोर्ट कब जारी हुई। मैं कह रहा हूं कि प्रथम जो रिपोर्ट है ये कब जारी हुई, 1987 में, कब जारी हुई, 1987, यानी वन रिपोर्ट पहली कब जारी होती है, तो मित्रों गौर करेंगे वन रिपोर्ट जो है वो जारी होती है 1987। प्रश्न फिर बना कि कितने वर्षों से, तो मित्रों ये 2 वर्ष से जारी होती है, जैसे अपन लोग जनगणना पढ़ते हैं 10 वर्ष से होती है, कृषि गणना 5 वर्ष से होती है, उसी प्रकार अपन बात करें पशु गणना 5 वर्ष से होती है, लेकिन मित्रों ये जो आप देख रहे हैं ये कितने वर्ष से होती है, 2 वर्ष से। अपन कह सकते हैं कि ये जो आप वन रिपोर्ट देखते हैं ये कितने वर्ष से प्रकाशित होती है, 2 वर्ष। अब आपका प्रश्न बनेगा कि रिपोर्ट तैयार कैसे करते हैं, आंकड़े जो है ये तैयार कैसे करते हैं, तो मित्रों इसमें मदद ली जाती है उपग्रह, यानी उपग्रह वाले सिस्टम से, उपग्रह है वो अपने आप क्या कर लेता है, उपग्रह अपने आप जो फॉरेस्ट एरिया है कितना एरिया कवर है कितना अनकवर है वो सारा का सारा डाटा एनालिसिस कर लेता है, और वो रिपोर्ट है वो फिर जारी करता है अपना, कौन जारी करता है, FSI, कौन जारी करता है, FSI, बोले तो अपन कहें फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। उसके बाद मित्रों आपका प्रश्न बने कि गुरु जी उपग्रह कौन सा है, तो साथी उपग्रह जो काम में लिया जाता है रिसोर्स सेट 2A, ध्यान रखना, यानी उपग्रह कौन सा काम में लिया जाता है, रिसोर्स सेट 2A। ऐसे तो अब अपन कहें कि वन कैसे अपन लेंगे जी, ठीक है, कैसे एरिया कवर होगा, इसके लिए उपग्रह है वो क्या करता है, वो अपने आप सैटेलाइट सिस्टम है और वो पूरा का पूरा डाटा है वो कलेक्ट कर लेता है। साथियों गौर करें, अब प्रश्न बना कि अपन किस रिपोर्ट की चर्चा कर रहे हैं, अपन 2019 की रिपोर्ट की चर्चा कर रहे हैं मित्रों, गौर करेंगे 2019 की जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में इतना ही याद रखना आपको कि ये कौन से नंबर की रिपोर्ट है, ये 16वीं, पहली कब, 1987, 2019 के 16वीं। अब एक विशेष प्रश्न, ये रिपोर्ट जारी हुई कब जारी हुई, दिसंबर 2019, ठीक बात। अब साथियों गौर करें, इसमें जो डाटा है क्या दिसंबर 2019 तक का डाटा है, नहीं मित्रों, मैं यूं कह सकता हूं कि इस रिपोर्ट में जो डाटा पीरियड है, इस रिपोर्ट में जो डाटा पीरियड है वो है 2017-18, यानी 17-18 में वन एरिया कितना था उसकी रिपोर्ट हमें दिसंबर 2019 में जारी हुई, 2019 की रिपोर्ट, कौन से नंबर की रिपोर्ट है, 16वें नंबर की रिपोर्ट, पहली कब जारी की गई, 1987,
कौन जारी करता है? FSI। किसके नेतृत्व में? केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के नेतृत्व। अब मित्रों बोलते हैं प्रश्न वन कि राजस्थान में राजस्थान का अभिलेखित वन क्षेत्र कितना है? अब मित्रों गौर करें राजस्थान में जो अभिलेखित वन क्षेत्र है वो है 32,737 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,737 वर्ग किलोमीटर। मैंने यहां शब्द लिखा अभिलेखित वन क्षेत्र यानी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, ये कितना है? मैंने केवल वन क्षेत्र नहीं बोला है, मैंने बोला है रिकॉर्डेड अभिलेखित वन क्षेत्र कितना है? 32,737 वर्ग किलोमीटर। मित्रों गौर करें अब मैं यहां बात आती है कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आपका प्रश्न बनेगा राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है साथियों वो आता है कितना? वो आता है 342,239। अब 342,239 में से कितना? 32,737 वर्ग किलोमीटर क्या है? प्रश्न की लैंग्वेज समझना, अभिलेखित वन क्षेत्र है, और अगर हिंदी में आपको गड़बड़ लगता है तो इंग्लिश वाला देख लेना, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। फिर बोल रहा हूं मैं, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, मैं लिख देता रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, यानी रिकॉर्डेड जो फॉरेस्ट एरिया है वो कितना है? वो है 327 या 32,737। सीधा सीधा याद कर लें 32,737 वर्ग किलोमीटर। अब ठीक है गुरु जी, ये बात तो आ गई समझ में। अब राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, उस क्षेत्रफल में ये भूमिका कितनी निभाता है? तो मित्रों 9.57%। ये आंकड़ा याद कर लेना, अभी 2 साल तक तो लगभग चलेगा और प्रश्न यहां से आएंगे, फंसेगा प्रश्न 9.57। क्यों फंसेगा? क्योंकि मित्रों 2015 की रिपोर्ट थी, लोगों ने लगभग याद कर रखी थी, वहां 9.59 था, वहां कितना था? 9.59, और यहां कितना रहा? 9.57%। तो बड़ी काम की बात है कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत है? 9.57%। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर आगे चलें, ठीक है? फटाक से। हाँ जी, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? मिटा दूं मैं? मिटा देते। तो ये थी बात अपनी, यानी 2019 की जो रिपोर्ट है, दिसंबर 2019 में जारी हुई, इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में जो वन क्षेत्र है मित्रों वो कितना है? तो अपना उत्तर आएगा, राजस्थान में जो वन क्षेत्र है वो कितना है? तो अपना उत्तर आया 9.57%। ठीक है, फिर मैं प्रश्न रिपीट कर रहा हूं, यानी अभिलेखित अभिलिखित वन क्षेत्र रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया ये कितना है राजस्थान में? राजस्थान में मित्रों ये आता है कितना आपका? 32,737 वर्ग किलोमीटर। राज्य के क्षेत्रफल में भागीदारी कितनी है? 9.57%। ठीक बात है गुरु जी। अब साथियों आगे और प्रश्न है, एक आता है वृक्षावरण, एक आता है वनावरण, वनावरण एक आता है वृक्षावरण, डाटा आते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सुने समझे ध्यान दें, वनावरण क्या है? यानी मैं कहूं फॉरेस्ट कवर, वृक्षावरण क्या है? ट्री कवर। ठीक गुरुजी, मान गए बात? गौर करना मित्रों, वनावरण में कौन से क्षेत्र को शामिल किया जाएगा? इंग्लिश में प्रश्न आएगा फॉरेस्ट कवर, वनावरण कितना है, वृक्षावरण कितना है, और अभिलेखित वन क्षेत्र कितना है, ये ही आता है बार बार।
लेकिन ये भी आएंगे, ध्यान दें। वनावरण का मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पर 1000 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर, 1000 में 1 हेक्टेयर जो क्षेत्र है, कितना हेक्टेयर? 1 हेक्टेयर। मैंने यहां लिख दिया जी 1 हेक्टेयर क्षेत्र, कितना हेक्टेयर? 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए, ठीक है, 1 हेक्टेयर क्षेत्र में वन। साथ में मित्रों यहां पर 10% क्या होनी चाहिए? 10% है वो सघनता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए 10%? सघनता, यानी कैनोपी जो डेंसिटी है, क्या डेंसिटी? कैनोपी जो डेंसिटी है वो कितनी होनी चाहिए? 10%। कैनोपी क्या है जी? कैनोपी का मतलब आप मान लें ये वाला जो कवर कर रहा है, ये वाला वृक्ष जो कवर कर रहा है, इसकी डेंसिटी कितनी होनी चाहिए? 10% होनी चाहिए। यानी 1 हेक्टेयर क्षेत्र है, ठीक है, आगे बात समझ, 1 हेक्टेयर क्षेत्र है, कम से कम 1 हेक्टेयर क्षेत्र होगा, वो ही वन में गिना जाएगा, वो ही फॉरेस्ट में गिना जाएगा। ऐसे आपके घर पे 5 पेड़ लगे वो फॉरेस्ट में नहीं गिने जाएंगे। 1 हेक्टेयर क्षेत्र होना चाहिए, साथ ही साथ में सुनना 10% वहां सघनता होनी चाहिए। जैसे मान लो 1 हेक्टेयर क्षेत्र और इसके अंदर वृक्ष है, लग रहे हैं, खूब लग रहे हैं, लेकिन इनकी सघनता यानी ये जो आपका कैनोपी जो डेंसिटी है, वृक्ष का ऊपरी भाग कितने क्षेत्र को कवर कर रहा है, वो 10% क्षेत्र को कवर करे, तब तो क्या हो जाता है? तब तो हो जाता है वनावरण। और 10% से भी अधिक को कवर करे, अगर ये ही ये वृक्ष है लेकिन यहां मेरे प्यारे मित्रों सघनता जो है वो 10% से क्या होगी? कम होगी। मैं लिख दूं कैनोपी डेंसिटी, कैनोपी जो डेंसिटी है वो 10% से अगर कम हो जाएगी तब उसे किसमें माना जाएगा? तब उसे माना जाएगा वृक्षावरण में। और कैनोपी डेंसिटी जब 10% से ज्यादा हो जाएगी तब उसे किसमें माना जाएगा? वनावरण में या फॉरेस्ट कवर। अब साथियों प्रश्न क्या, जैसे अपन ने ये डाटा याद कर लिया, वैसे ही अपने को डाटा याद करना है कि 81/12 वर्ग किलोमीटर ये तो क्या है? वृक्षावरण है। और मित्रों 16229 पॉइंट में 51 वर्ग किलोमीटर ये क्या है? वनावरण। गौर करना मेरी बात पे, राजस्थान में वनावरण है तो आपका उत्तर आएगा 16229.51 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में वृक्षावरण है तो आपका उत्तर आएगा 81/12 वर्ग किलोमीटर। ये अभिलेखित वन क्षेत्र है, अभिलेखित शब्द पक्का आएगा, राज्य के कुल अभिलेखित क्षेत्र में वन क्षेत्र है तो आपका उत्तर आएगा 32737। अब आप कहेंगे क्या अभिलेखित में फॉरेस्ट कवर शामिल किया जाएगा, क्या अभिलेखित में ट्री कवर शामिल किया जाएगा? बिल्कुल, यानी जो फॉरेस्ट कवर है वो अभिलेखित में आ ही जाना है। यानी राज्य सरकार है, कोई भी गवर्नमेंट रूल है, कोई भी गवर्नमेंट एक्ट है, उसमें अगर कोई क्षेत्र आ रहा है, उसमें वन आ रहा है, वो इसमें शामिल होगा। कितना? 9.57। अब आप कहोगे गुरुजी वृक्षावरण अगर हमसे पूछ ले तो क्या कहेंगे? तो प्यारे मित्रों 2 पॉइंट में 37%, अगर वनावरण पूछ ले 4 पॉइंट में 86%। बहस हो गया काम, क्या प्रश्न आ सकते हैं ऐसे? बिल्कुल आ सकते हैं। प्रश्न बना कि राजस्थान में वनावरण है 4.86, राजस्थान में वृक्षावरण है 2.37। इंग्लिश याद रखना ट्री कवर, और राजस्थान के अभिलेखित वन में वन क्षेत्र है 9.57। अब सुनना प्रश्न क्या बनेगा, 2017 की तुलना में 2019 में परिवर्तन, पहला है वनावरण, ये तो बढ़ा, वनावरण क्या हुआ, बढ़ा या घटा? वनावरण जो है वो आपका घटा साथी, बढ़ा नहीं घटा, वनावरण जो है वो घटा। उसके बाद प्रश्न बना
वृक्षावरण जो है, वृक्षावरण ये क्या हुआ, तो ये भी प्यारे मित्रों आपका क्या हुआ, घटा। यानी राजस्थान में 2017 की तुलना में 2019 में वनावरण जो है वो भी घटा और वृक्षावरण है वो भी क्या हुआ, घटा। याद रखेंगे वृक्षावरण 2.37%, सॉरी ये 4.84% है ना, 86, 4. कितना, 84%, याद रखेंगे। ठीक है, अब आगे चलें। फिर प्रश्न बना अपना कि गुरुजी वनावरण घट गया, वृक्षावरण घट गया और ये 2017 की तुलना में डिट्टो रह गया सेम का सेम। अब प्यारे मित्रों बात आती है वनावरण वृक्षावरण अभिलेखित वन क्षेत्र के बाद में, कि राजस्थान में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहां है, राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र कहां है। और गौर करना 2017 से 19 में या इन दो वर्षों में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र में वृद्धि कहां हुई है, बताएं फटाफट कमेंट करें और स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे चलता हूं। हाँ जी मिटा दूं, मैं मिटा देते हैं ये लो जी अपन। तो आई बात समझ में, वनावरण का मतलब ऐसा क्षेत्र फॉरेस्ट कवर में आएगा जहां एक हेक्टेयर क्षेत्र है और 10% सघनता है। उसके बाद में वृक्षावरण में जहां सघनता 10% से कम है, कैनोपी डेंसिटी। उसके बाद में आगे आए अभिलेखित वन क्षेत्र है 32,737 वर्ग किलोमीटर। अब मित्रों गौर करें, मैंने क्या कहा, यहां प्रश्न की लैंग्वेज जो मर्जी हो सकती है, जैसे पिछले दो वर्षों में बोले तो 2017 की तुलना में 2019 कहना चाह रहा है, पिछले दो वर्षों में राजस्थान के किन जिलों में, किन जिलों में, जिलों नहीं दिख रहा होगा शायद आपको, किन जिलों में वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी एवं सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की, दो टाइप बन सकती है कि कौन से जिले ऐसे रहे जिनमें सर्वाधिक कमी रही यानी वन क्षेत्र घटा, और कौन से ऐसे रहे जिनमें वृद्धि हुई। तो मित्रों गौर करें, वन क्षेत्र बढ़ा कहां पर, अब आप सोचेंगे उदयपुर में बढ़ा नहीं, वहां तो ऑलरेडी ज्यादा है तो लोग जागरूक ही नहीं। सबसे ज्यादा वन क्षेत्र बढ़ा बाड़मेर, जैसलमेर और प्यारे मित्रों डूंगरपुर। यानी वन क्षेत्र में वृद्धि कहां हुई, बाड़मेर में, जैसलमेर में, डूंगरपुर में, हां हां। और वन क्षेत्र में कमी कहां हुई, कमी होती है उदयपुर में, प्रतापगढ़ में और प्यारे मित्रों झालावाड़। अब यहां से और क्या प्रश्न बना सकते हैं गुरुजी, प्रश्न बन रहा है कि 2019 की रिपोर्ट बता रही है, 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार पिछले दो वर्ष की तुलना में, 2017 की तुलना में 19 में, यानी 2019 में कौन से जिले में वन क्षेत्र घटा सबसे कम, कहां घटा, उदयपुर में। सबसे ज्यादा वन क्षेत्र बढ़ा कहां पे, तो अपना उत्तर आएगा बाड़मेर। कमी कहां आई, उदयपुर में। वृद्धि कहां हुए, बाड़मेर। ध्यान देंगे कमी कहां आई, उदयपुर, वृद्धि कहां हुई, बाड़मेर। जबकि अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है 2017 में कमी कहां हुई थी, प्रतापगढ़ में, 2017 में वृद्धि कहां हुई थी, तो गौर करना 2017 में वृद्धि हुई थी जैसलमेर, 2019 में वृद्धि कहां हुई है, बाड़मेर, 2019 में कमी कहां हुई है, उदयपुर में, वन क्षेत्र में। तो ये बात होगी कमी और वृद्धि की, चलो ठीक बात है। अब बात आती है मित्रों, ये तो कमी और वृद्धि की, अब सबसे ज्यादा वनस्पति या वन क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में है, गौर करें। यहां अपन बात करें सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले, मैं यहां पे दो लिस्ट बना देता हूं, सर्वाधिक
वन चित्र। और प्यारे मित्रों मैं इधर लिख देता हूं न्यूनतम वन चित्र। अब न्यूनतम वन चित्र कहां है? चूरू में सबसे कम है, चूरू के पास ही हनुमानगढ़ है, यहां भी कमी है, उसके बाद में जोधपुर में भी कमी है, और उसके बाद में प्यारे मित्रों श्री गंगा नगर में भी कमी। ठीक है, ये तो हो गए कम। कम कहां कहां है? चूरू में, हनुमानगढ़ में, जोधपुर में, श्री गंगा नगर में। ठीक है, अब सर्वाधिक वन क्षेत्र कहां है जी? सर्वाधिक वन क्षेत्र मित्रों उदयपुर में, उदयपुर के बाद में अलवर में, अलवर के बाद में मित्रों प्रतापगढ़ में, और प्रतापगढ़ के बाद मित्रों बांसवाड़ा में। याद रखें मित्र, सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर में, अलवर में, प्रतापगढ़ में, बांसवाड़ा। न्यूनतम वन क्षेत्र कहां है? तो याद रखेंगे चूरू में, हनुमानगढ़ में, जोधपुर में, श्रीगंगानगर, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा की जगह सॉरी 12 आएगा इसमें, ना गलती हो गई, 12। ठीक है, यानी सर्वाधिक जो वन क्षेत्र है ये कहां है? सर्वाधिक वन क्षेत्र है उदयपुर में, अलवर में, प्रतापगढ़ 12। सबसे कम जो वन क्षेत्र है वो चूरू में, हनुमानगढ़ में, जोधपुर में और श्रीगंगानगर। चूरू में गुरुजी है कितना? 82 वर्ग किलोमीटर। और मित्रों उदयपुर में कितना है? 57.54 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये तो बात होगी सर्वाधिक और न्यूनतम। ठीक, सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर में, सबसे कम वन क्षेत्र चूरू। अब बात आती है साथियों प्रतिशत में, समझना मेरी बात को। जैसे मैं यहां आपके सामने दो उदाहरण लिखता हूं, ए और बी। ठीक है, ए जिला है, इसका एरिया है 100 वर्ग किलोमीटर, इसमें जो वनस्पति है वो है 40 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, बी है जिला, इसका एरिया है 50 वर्ग किलोमीटर, इसमें वनस्पति है 30 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब मैं यहां दो चीजें पूछूंगा। एक तो आपसे पूछूंगा क्षेत्र ज्यादा कहां है, तो आपका उत्तर आएगा ए के पास। ठीक है, ए के पास 40, क्यों? क्योंकि इसके पास 40 वर्ग किलोमीटर। अब मैंने कहा कुल क्षेत्रफल में प्रतिशत ज्यादा कहां है, इसके पास कितना एरिया कवर हो रहा है? 40%, और इसके पास कितना एरिया कवर हो रहा है? 60%। तो कुल एरिया में प्रतिशत ज्यादा कहां हुआ? बी में हुआ। ऐसी ही कहानी बन रही है यहां, सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर में, सबसे कम वन क्षेत्र कहां? चूरू में। लेकिन मित्रों यहां थोड़ा सा ध्यान रखना, सावधानी, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, याद रखें। सबसे कम वन क्षेत्र प्रतिशत में याद रखेंगे जोधपुर, दूसरे नंबर पे चूरू, तीसरे नंबर पे मित्रों नागौर, चौथे नंबर पे मित्रों जैसलमेर। अब जोधपुर में है कितना गुरुजी? 0.47%, यानी जोधपुर का कुल एरिया जितना भी है उसमें से 0.47% पर क्या है? वनस्पति है। ठीक है, कुल एरिया जितना भी है उसमें से 0.47 पर वनस्पति। यहां बात करें सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा में आप याद रखेंगे उदयपुर ही है, उदयपुर के बाद में प्रतापगढ़ आता है, प्रतापगढ़ के बाद में सिरोही आता है, और प्यारे मित्रों सिरोही के बाद में करौली आ जाए। यानी याद रखें सबसे ज्यादा प्रतिशत कौन से जिले का है, यानी यहां 23 पॉइंट में 51% पे वन है, यहां कितने पे वन है जोधपुर में? 0.47% पे। बात आ रही है क्या नहीं आ रही समझ में? पहले तो ये बताओ सर्वाधिक वन कहां है, एरिया वन का कहां है? उदयपुर। प्रतिशत में भी उदयपुर। सबसे कम वन कहां है? चूरू में। लेकिन मित्रों प्रतिशत में कौन सा आ जाएगा? जोधपुर। सर्वाधिक वन क्षेत्र, न्यूनतम वन क्षेत्र, प्रतिशत में सर्वाधिक। प्रश्न कैसे आएगा लैंग्वेज सुने, जिले के कुल क्षेत्रफल में वनों का न्यूनतम प्रतिशत
किस जिले का है? तो साथियों आपका उत्तर बनेगा जोधपुर। चूरू वाला कैसे आएगा? किस जिले में वन क्षेत्र न्यून है? कौन से जिले में वन क्षेत्र न्यून है जी? चूरू में है। ये दोनों टाइप बन सकते हैं, प्रतिशत में भी उदयपुर है, वैसे भी उदयपुर याद हो जाएगा। प्रतिशत कहां लाने होते हैं आपको? यूपीएससी के एग्जाम में लाने होते हैं, याद हो। यूपीएससी के एग्जाम में आपको परसेंट क्या लाने होते हैं? ज्यादा लाने होते हैं, तो प्रतिशत है यूपीएससी। उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली और वैसे सर्वाधिक वन क्षेत्र है इनमें यू ए पी बी। सबसे कम कम तो वैसे याद रहेगा चूरमो है और हनुमान जी का, जोधा जी गंगा जी चढ़ा दियो अठिन जो अरे चूना जो है जो कम है चुनो दे दियो ना प्रतिशत कम हुए, जो मैं दे दियो चुनो दे दियो जरा प्रतिशत के हुए कम हुए। फटाक से स्क्रीन शॉट लो फिर आप आगे चलो। हाँ जी चले पर आगे मिटा दू मैं, मिटा देते हैं। तो याद रखना है प्रतिशत में कम कहां पे? जोधपुर में। कई बच्चे पूछ रहे हैं चूरू का, चूरू का भी लो 0.69% आ गया, ठीक है। तो प्रतिशत है उसमें जोधपुर कम है, ठीक है, याद रहेगा। समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो फटाफट से, शेयर कर दो। अब आगे चलते हैं अपन। याद रखना सूर्य की तरह चमकने के लिए पहले जलना पड़ेगा, ऐसे चमक नहीं आएगी, चमक सभी को अच्छी लगती है लेकिन उसके लिए जलना पड़ेगा, जलना पड़ेगा। और मैं जल रहा हूं जब चार चार घंटे डाटा तैयार कर रहा हूं तो आपको तो मलाई मिल रही है निकाल के, आपको तो कोई बिलोने की जरूरत ही नहीं है, निकला हुआ घी मिल रहा है तो इस घी को तो काम में ले लिया करो, ठीक है। चलते हैं आगे। चल अब भाई साहब प्रश्न बनेगा वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण। अब आप कहेंगे प्रशासनिक वर्गीकरण क्या होता है जी? सुनिए, प्रशासनिक वर्गीकरण इसमें तीन कैटेगरी बने, क्या बनेंगे गुरुजी सुनो। एक बनता है आरक्षित यानी रिजर्व, एक बनता है रक्षित, केवल रक्षित प्रोटेक्ट संरक्षित जिसे कह सकते हैं, और मित्रों एक बनता है अवर्गीकृत अनक्लासिफाइड। ये क्या है? रिजर्वर्ड आरक्षित है, ये क्या है? प्रोटेक्ट है, और ये क्या है? अनक्लासिफाइड। पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। आरक्षित वर्ग कौन से होते हैं भाई साहब? संरक्षित या आरक्षित कौन से होते हैं? अवर्गीकृत कौन से? आरक्षित का मतलब ऐसे वन क्षेत्र जहां जहां पूर्ण पाबंदी यानी यहां ना तो हो सकता शिकार ना यहां हो सकती कटाई लकड़ियों की ना यहां हो सकती पशुओं की चराई, यानी मैं यूं कह दूं ये सरकार की पूरी तरह से निगरानी में होता है। कौन सा? आरक्षित। आरक्षित वन है सरकार की पूर्ण निगरानी में, पूर्ण पाबंदी। मैं यहां लिख सकता हूं सरकार का पूर्ण नियंत्रण कौन से वनों पर भाई? आरक्षित। संरक्षित में क्या होता है मित्रों? कुछ छूट होती, कुछ छूट यानी मैं लिख सकता हूं आंशिक छूट। आंशिक छूट से आप क्या समझेंगे? किस चीज की आंशिक छूट, किस चीज में आंशिक छूट? ये आंशिक छूट होती है पशु चराई में, वन कटाई में, यानी पशु चराई और वन कटाई में आंशिक छूट होती है। कौन से वनों से? रक्षित और संरक्षित से, ठीक है। इसके बाद मित्रों आता है अवर्गीकृत। अवर्गीकृत का मतलब सरकार के नियंत्रण से दूर, सरकार के नियंत्रण से दूर। अब फिर आपका प्रश्न बनेगा कि गुरुजी इनके एरिया कौन से हैं? राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? प्रश्न यहां से यूं बन जाए कि निम्नलिखित में से राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सा, फटाक से कमेंट करो, देखे आपका क्या उत्तर निकल के आता है, फटाक से कमेंट करो। राजस्थान में इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा है? आरक्षित है, संरक्षित है या अवर्गीकृत? फटाफट कमेंट कर दो, देखो पता चल जाता है। ध्यान दें अवर्गीकृत है 6.25%,
यानी 2045 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में मित्रों ये आता है 55 पॉइंट में 64%, 18,217 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में ये आता है 38.11%, 12,775 में वर्ग किलोमीटर। बस गुरुजी आंकड़े याद करने हैं, बहुत आंकड़े हो जाएंगे, याद करो, रिपीट करो, और नहीं होते हैं तो सीधा याद रखना। राजस्थान में सबसे ज्यादा संरक्षित वन पाए जाते हैं, क्योंकि कथन आएंगे। अभी पीछे पटवारी या ग्राम सेवक का पेपर हुआ था, उसमें कथन आया था, आरपीसी भी दे देगी इसे कथन। क्या राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में आरक्षित वन पाए जाते हैं जो 55.64 पर है। कथन सही है या गलत है? गलत है, आरक्षित नहीं है 55.64 पे, संरक्षित है। ये बात तो सही है, 55.64% सर्वाधिक है, लेकिन भाई साहब कह क्या रहा है, आरक्षित नहीं। राजस्थान में सर्वाधिक संरक्षित वन पाए जाते हैं जो 55.64 पर है, दूसरे नंबर पे आरक्षित है जो 38.11 पर है, तीसरे नंबर पे अवर्गीकृत है जो 6.25 पे। ठीक है, अब इस कैटेगरी में मित्रों आरक्षित वन सबसे ज्यादा कहां है? उदयपुर। संरक्षित वन सबसे ज्यादा कहां है? संरक्षित वन सबसे ज्यादा कहां है? बारह में। और अवर्गीकृत वन सबसे ज्यादा कहां है मित्रों? तो याद रखेंगे बीकानेर। अवर्गीकृत वन सबसे ज्यादा कहां है? बीकानेर। आरक्षित उदयपुर में, संरक्षित बारह में, अवर्गीकृत कहां पे? बीकानेर। इसके बाद साथियों एक बात और आती है, आज के लिए नई चीज बता दिया, नई चीज, बिल्कुल नई चीज है, जो आपने पहले शायद एक आध स्टूडेंट हो सकता है जिसने सुन रखी हो, बाकी आप लोगों ने नहीं सुनी होगी, और ये प्रश्न अब आ सकता है क्योंकि ट्रेंड बदल रहे हैं। हमें एग्जामिनर की सोच तक जाना है कि वो कहां तक सोच सकता है, उसका क्राइटेरिया क्या है। पेपर आने के बाद में सभी सोच लेंगे, पहले सोचेंगे अपन। कार्बन स्टॉक ये राजस्थान में कितना है? पहली बात तो ये कि कार्बन स्टॉक होता क्या है, कार्बन स्टॉक होता क्या है, पहली बात तो ये कार्बन स्टॉक होता क्या। कार्बन स्टॉक का मतलब मित्रों सघन वन क्षेत्र होते हैं, उनमें किसी भी रूप में, यानी मैं लिख सकता हूं वन क्षेत्र में किसी भी रूप में कार्बन की उपस्थिति, ये क्या कहलाती है मित्रों? ये कहलाती कार्बन स्टॉक। और राजस्थान में कार्बन स्टॉक कितना है? 108 पॉइंट में 36 मिलियन टन। कितना है? 108 पॉइंट में 36 मिलियन टन, जो देश का 1.52% है। कितना है? देश का 1.52%। याद रखें राजस्थान में कितना मिलियन टन? 108.36 मिलियन टन। देश का कितना प्रतिशत है? 1.52% है। कार्बन स्टॉक का मतलब समझ गए, वन क्षेत्र में किसी भी रूप में कार्बन की उपस्थिति। अब आपके लिए चैलेंज प्रश्न है, कार्बन सिंक किसे कहते हैं? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। दूसरा आपको कमेंट करना है कि राजस्थान में वन मंडल कितने हैं? अब एक बार फिर मैं लास्ट वाले मुद्दे को मैंने हटा दिया था, इसको रिपीट कर देते हैं। आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत, याद रखेंगे मित्रों अवर्गीकृत कितने प्रतिशत भाग पे? 6.25, 55.64, 38.11%। ठीक है, उसके बाद आरक्षित सबसे ज्यादा कहां है? उदयपुर में है। संरक्षित सबसे ज्यादा कहां है? बारह में है। अवर्गीकृत सबसे ज्यादा कहां है? बीकानेर। कैसी लग रही क्लास, शेयर कर दीजिए, और अब मित्रों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चर्चा करते हैं आज के कल वाले चैलेंज प्रश्न पे, किस किस ने क्या क्या जानकारी दी। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, और आज के चैलेंज प्रश्न है इनको लिख लो,
कल के चैलेंज प्रसंग कुछ इस प्रकार से हैं। तो पहला अपना प्रश्न था, जैतून की पत्ती है इसका कारखाना, चाय बनाने का कारखाना जयपुर में, ग्राम है ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट, राजस्थान सरकार और फिक्की के सहयोग से अभी तक 4 ग्राम का आयोजन हुआ, उसके बाद रुक गया, पहला जयपुर में, दूसरा कोटा में, तीसरा उदयपुर में और चौथा 2018 में जोधपुर के अंदर। एग्रो फूड पार्क की बात करें, राजस्थान में 4 हैं, रिको के द्वारा संचालित हैं, रानपुर कोटा में राजस्थान का पहला एग्रो फूड पार्क है, बोरनाडा जोधपुर, अलवर और श्रीगंगानगर। मेगा फूड पार्क की बात करें तो मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर के अंदर है। इसका सबसे पहले सही जवाब रुचिका ने कमेंट किया, रुचिका आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नया विजिट कर रहे हैं, और अधिक से अधिक लोगों तक इस चैनल को शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, नए नॉलेज के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए ले रहा हूँ विदा। जय हिंद, जय भारत।